हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जागरण प्रकाशन लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर हैं और दिसंबर 2019 तक इनके पास में 73.09% की होल्डिंग थी कंपनी में, और उसके बाद में इन्होंने 1,73,655 शेयर का एक्विजिशन किया है, और एक्विजिशन की लगभग वैल्यू है 47 लाख, यानी 47 लाख एक्विजिशन की वैल्यू है। और इन्होंने एक्विजिशन करने के बाद में इनके पास में 73.16% की होल्डिंग हो गई है। और यह इन्होंने किस पीरियड में इन्होंने एक्विजिशन किया है, 30 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के अंदर इन्होंने ये एक्विजिशन किया है। और इनका एक्विजिशन मोड ऑफ एक्विजिशन था वो मार्केट परचेज था, यानी मार्केट से इन्होंने ये शेयर को एक्वायर किया है। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने फिर 60,000 शेयर का और एक्विजिशन किया है। उस वो इन्होंने किया है 3 फरवरी को, वो भी मार्केट से परचेज किया है। उसके बाद इन्होंने 10,000 शेयर का और एक्विजिशन किया है, वो किया है 10 फरवरी को। फिर इसी प्रकार से लगभग 90,000 का एक्विजिशन और किया है, वो इन्होंने किया है 20 मार्च को, ये भी मार्केट परचेज। उसके बाद में इन्होंने 5,000 लगभग 5,000 शेयर का और एक्विजिशन किया है, और ये एक्विजिशन इन्होंने किया है 23 मार्च को। तो इस प्रकार से इन्होंने लगभग 5 अलग अलग दिनों में इन्होंने अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो पहले इनके पास में होल्डिंग थी 73.09% की, और सारा एक्विजिशन करने के बाद में इनके पास होल्डिंग हो गई है 73.21% की होल्डिंग हो गई है। ये इन्होंने 24 मार्च 2020 तक सारी एक्विजिशन एक्सचेंज को रिपोर्ट कर दी हैं। तो दोस्तों, इन्होंने किस किस प्राइस पे 5 चरणों में इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो उसको निकालने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है दोस्तों। तो पहला एक्विजिशन किया था इन्होंने 31 जनवरी को, इतने शेयर बाय किए थे और इतने लाख का उस एक्विजिशन की वैल्यू थी। तो इसको निकालने के लिए हम इससे इससे डिवाइड करेंगे, तो हमने सारा जो है निकाल लिया, यानी ये इस प्राइस पे उन्होंने अपने शेयरों का एक्वायर किया है। तो पहला 27 रुपये, फिर 27 रुपये जो 31 जनवरी को किया था 27 रुपये पे, फिर 3 फरवरी को 27 रुपये पे किया, फिर 10 फरवरी को इन्होंने 26 रुपये पे किया, फिर 20 फरवरी को 14 रुपये पे किया, फिर 23 फरवरी को 14 रुपये पे किया। तो टोटल अगर हम निकालें तो टोटल इन्होंने ये 3,39,931 शेयरों का एक्विजिशन किया है, और एक्विजिशन की वैल्यू लगभग 81 लाख की थी। और टोटल इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हम सॉरी इसको इसे डिवाइड करेंगे तो टोटल अगर एवरेज निकालें तो 23 रुपये पे इन्होंने सारे शेयर की मतलब इतने शेयर की 3,39,931 शेयर की 23 रुपये पे लगभग एवरेज निकालेंगे तो 23 रुपये पे इन्होंने अपने शेयर की बाइंग की है। तो ये एक मोटा मोटा हमने रिव्यू निकालने के लिए, यानी किस किस प्राइस पे इन्होंने वो अपने शेयर को एक्वायर किया है, उसको निकालने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट बनाई थी। ठीक है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस किस रेट पे इन्होंने उस कंपनी के शेयर को बाय किया है। तो अब हम देख लेते हैं उस कंपनी का नाम क्या है। एक्चुअली दोस्तों, कंपनी का नाम है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इसका रेट अभी 14 रुपये चल रहा है। आज की डेट में 9 अप्रैल 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14 रुपये 31 पैसे इसका रेट चल रहा है। और इन्होंने एक्विजिशन किस किस रेट पे किया है, 27, 27, 26, 14 और 14। तो आप देख रहे हैं कि 14 रुपये आज की डेट में रेट चल रहा है, और 14 रुपये तक भी इन कंपनी के प्रोमोटर ने अपने शेयर को एक्वायर किया है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट इन्होंने जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसकी रिपोर्ट इन्होंने देखिए एक्सचेंज को 8 अप्रैल 2020 को दे दी थी। तो अब टोटल इसको हम क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे लिखा है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड हैज सबमिटेड टू बीएससी द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2020। फॉर डिटेल क्लिक किया, तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि टोटल जो है प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी हो चुकी है। तो मार्च 2020 तक कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.05% हो गई है। ये इन्होंने कल यानी कि 8 अप्रैल 2020 को ये डाटा अपडेट कर दिया है एक्सचेंज के पास में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में आप वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गए कंपनी में शेयर बाय करना शुरू कर दिया, आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें एनालिसिस और हम आगे करेंगे करना क्या है कंपनी में। तो अभी कंपनी की होल्डिंग कितनी हो गई है, 74.02%, लेकिन यहाँ दिसंबर 2019 तक
कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी, 73.94। ये देखिए डाटा 73.94। तो ये डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि तो आप जब इसका डाटा यहाँ पे अपडेट होगा तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो हमें न्यूज़ मिलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और यहाँ पे डाटा अप जो दूसरी वेबसाइट होती है वहाँ पे डाटा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी मार्च 2020 का जो डाटा यहाँ पे अपडेट होगा उसमें 74.02% की होल्डिंग दिखाएगा। तो ये टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो गई। अब हम आगे और देख लेते हैं, टोटल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 9.5% की है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे डोमेस्टिक DIIs की होल्डिंग, इसमें आप देखिए इंक्रीज हो रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है। FIIs की होल्डिंग आप इसमें देखें डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि DIIs म्यूचुअल फंड हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं और FIIs कम कर रहे हैं, तो ये मोटा मोटा व्यू यहाँ से लेंगे। अभी आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अब हम स्क्रीनर पे हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे इस कंपनी की। मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और FIIs अपना स्टेक घटा रहे हैं, बट यहाँ पे DIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यू निकल के आता है। अब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले 14 रुपये का रेट चल रहा है, उसके बाद में 12 रुपये का लो बनाया है और 50 रुपये का हाई बनाया है, 52 वीक लो एंड हाई, ठीक है। 18 रुपये की बुक वैल्यू है, तो आप देखिए 18 रुपये की बुक वैल्यू है, 14 रुपये करेंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात ये है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, डेट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाटा अपडेट हो गया स्क्रीन, क्योंकि इन्होंने कल एक्सचेंज को वो रिपोर्ट कर दिया था डाटा, और आज स्क्रीन पे ये डाटा अपडेट हो गया, 74.02% की हो गई, जो एग्जैक्ट होल्डिंग अभी प्रोमोटर्स की है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 73.94 ही दिखा रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसको आप समझिए, ठीक है। उसके बाद में हम इसका स्टॉक का पी देखेंगे, 8.5 का पी है और इंडस्ट्री का पी 17 का है, लगभग कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है, अपने इंडस्ट्री पी से कम पी पे काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद में मेन फैक्टर ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करेंगे, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। अगर आप ये कहेंगे, देखिए बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि हमें सस्ता स्टॉक मिल रहा है तो हमें यहाँ से इसको ले लेना चाहिए, या हमें यहाँ पे इसको फोकस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम इससे इसकी प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस निकालते हैं कि इसका प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। 14 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, 14 रुपये 15 पैसे डिवाइडेड बाई इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 1.66, ठीक है। तो इसका प्राइस 8.5 रुपये आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसका प्राइस सबसे पहले 8.5 रुपये आना चाहिए, ठीक है। अभी नीचे संभावना है इसकी। तो ये तो नेगेटिव बात हो गई, बट आप ये कहोगे कि इसमें तो नेगेटिव है इसमें, तो फिर इसकी इस वीडियो की आपने एनालिसिस क्यों की। एक्चुअली क्या आता है कि सारे गिरते हुए स्टॉक, सारे प्रोमोटर जिस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है उन स्टॉक को हम बाई कर लें आँख बंद करके, हमें फर्दर एनालिसिस भी करनी पड़ती है कि ये स्टॉक नीचे बहुत ज़्यादा गिर गया है तो हमें बाई कर लेना चाहिए, या प्रोमोटर इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो हमें बाई कर लेना चाहिए। ऐसे आँख बंद करके कोई भी काम नहीं करना है, सारा डाटा को एनालिसिस करना है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, कि इसका रिजर्व आप कंपनी का अगर देखेंगे तो रिजर्व देखिए पहले निगेटिव था, मार्च 2010 में निगेटिव रिजल्ट था, ठीक है। रिजर्व्स 2013 तक इसका रिजर्व निगेटिव रहा, 14 तक, ठीक। उसके बाद में इनके रिजर्व्स बढ़ने लगे 2015 से, 1985 फिर यहाँ से आप देखिए 2016 से 17 तक इसका रिजर्व कितना ज़्यादा बढ़ गया, 85 से 491 हो गया, फिर 543 हो गया, फिर 548 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद में सितंबर 2019 तक 575 हो गया, इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, उसके बाद देखिए इनकी बोरोइंग 196 करोड़ की थी 2010 में, और उसके बाद में आप देखिए इनके पास सिर्फ
32 करोड़ की बोरिंग बची। इन्होंने अपनी बोरिंग जो है कितना अच्छी तरीके से मैनेज करके इन्होंने अपनी बोरिंग को कम किया है, अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है। बस यही बात मुझे इस कंपनी में पॉजिटिव लगी है। ठीक है, जो पॉजिटिव बात लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव बात है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि कंपनी में ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है और अपना इन्वेस्ट भी कर रही है और अपना डेट भी कम कर रही है। तो डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, यहाँ से ओके है, यहाँ से ओके है। ठीक है, बस प्राइस टू सेल्स रेशियो मुझे ये कह रहा है कि ये अभी पहले 8.5 तक अगर मिलता है, मतलब 8 रुपये के आसपास ये स्टॉक मुझे मिलता है, तो मैं इसमें सोचूंगा, कंसिडर करूंगा इसको बाय करना। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। पूरी वीडियो आप जरूर अगर देखेंगे ना, तो पक्का आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू मिलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और इस कंपनी में करना क्या चाहिए। अभी दूर रहना चाहिए या अभी इसको बाय कर लेना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मार्च 2017 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और तब इस कंपनी का प्राइस चल रहा था लगभग 80 रुपये, 80-82 रुपये इसका प्राइस चल रहा था। उसके बाद से कंपनी ने थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, लगभग साल भर में थोड़ा सा ये ऊपर गया। कहाँ तक गया, लगभग 90 रुपये के आसपास। उसके बाद आप देखिए, कंपनी लगातार गिरती चली जा रही है, लगातार गिरती चली जा रही है, लगातार गिरती चली जा रही है। आज इसका प्राइस 14 रुपये आ गया है। अब कहते हैं ना कि स्टॉक स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया तो हमें बाई कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब कंपनी जब इतने ज़्यादा नीचे गिर गई है, ठीक है, और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को लगातार जो है लगभग 3 महीने में 5 बार आके कंपनी के शेयर को एक्वायर करते हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद में इसकी बुक वैल्यू के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, कंपनी के पास में कैश बहुत अच्छा है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग भी लगभग 74% हो चुकी है आज की डेट में। कंपनी के बाद में रिजल्ट अच्छा है, अपनी बोरोइंग को कम कर रही है। ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, बट एक पॉइंट नेगेटिव ये है कि 1.66 इसका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इसका प्राइस लगभग जब 8.5 या 8 रुपये के आसपास ये प्राइस मुझे मिलेगा, तब मैं इसमें सोचूंगा कि इसमें मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा निगेटिव तो हम नहीं कह सकते हैं, इसको अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। अभी मैं इसमें आपको कोई भी निवेश की सलाह नहीं देता हूँ जब तक कि प्राइस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नहीं आ जाता है। लगभग 8-8.5 रुपये के आसपास अगर ये कंपनी आती है तो इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट जब वो अगर वहाँ पे पहुँच भी जाए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक रखते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, चाहे कंपनी के अंदर कितना भी बड़ा पॉजिटिवनेस क्यों ना हो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट में रखना चाहते हैं तो रखिए, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना है। तो हमने इसमें आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, ठीक है, सारे नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए, और आपको इस कंपनी में क्या करना है आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उसके बाद में वेट कीजिए एंड वॉच कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि मुझे हम लोगों को ये 8-8.5 भी ये प्राइस मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड के पास में लगभग 9.5% की होल्डिंग है, DIIs के पास में भी लगभग 15.5% की होल्डिंग है। बस FIIs ने ये अपनी होल्डिंग कम क्योंकि ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट आप देखिए, सितंबर 2018 से इन्होंने कम करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कम किया है। जून सितंबर 2019 तक तो 0.79% थी, लेकिन दिसंबर 2019 में इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.79% से 0.83% की है, लगभग थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, तो मार्च का ये अभी जनवरी फरवरी मार्च 2020 का डाटा अपडेट हो, ये वाले क्वार्टर अपडेट होने के बाद में देखेंगे एफआईआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है या कम और की है। ठीक है,
तो उसके बाद में हम इसमें और एनालिसिस करेंगे, देखेंगे हमें इसमें क्या करना है, वो डाटा अपडेट होने दीजिए, ठीक है। और तब तक हम वेट करते हैं कि इसका प्राइस 8 साढ़े 8 तक आने दीजिए, तब तक इधर ये प्राइस 8:30 8 साढ़े 8 तक आए और इधर हम ये डाटा अपडेट करने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ठीक है, इस तरीके के एनालिसिस करते रहेंगे आपके साथ मिलके, और आपके साथ में शेयर भी करते रहेंगे, बहुत टाइम लगता है डाटा सारा फाइंड आउट करने में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।